कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर IAS को और करे अपने UPSC और PSC का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। एला भट्ट, इनके बारे में हम समझते हैं तो प्रसिद्ध गांधीवादी और प्रमुख महिला अधिकारिता कार्यकर्ता एला बेन भट्ट का अहमदाबाद में निधन हुआ है। तो ये अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को इनका देखने को मिल रहा है। गांधीयन और लीडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट है, पॉपुलरली नोन एज एला बेन। तो एला बेन के नाम से ये जानी जाती है। आफ्टर ग्रेजुएशन एला बेन ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ज्वाइन किया था। ये स्टेट PSC में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो निधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये स्टेट PSC में पूछे जाते हैं। सो ग्रेजुएशन के बाद एला बेन ने जो है वो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ज्वाइन किया, ठीक है, और शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1980s। इनके अचीवमेंट्स की बात करें, सेवा, फाउंडेड सेवा, तो ये चीज पूछी जा सकती है। 1972 में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने काम किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि आज के डेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है, अगर आप मेंस में लिख सकते हैं तो एक पॉइंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एडवाइजर भी रह चुकी हैं, इन्होंने UNGA में जो है वो एड्रेस भी किया है। चेयरपर्सन है ये साबरमती आश्रम की, और चांसलर थी हैं महात्मा गांधी फाउंडेड गुजरात विद्यापीठ की। पद्म भूषण, रेमन मैक्सेसे, इंदिरा गांधी पीस प्राइस, तो ये सब अवार्ड जो है वो इनको मिले थे। बस बेसिक